नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रतिका मजुमदार। आज मैं आपको धूप की कुछ उपाय बताऊंगी जो कि इस नवरात्र के दिनों में अपनाने से, और मैं तो कहूंगी कि सिर्फ नवरात्र ही नहीं, पूरे साल आप नवरात्र से शुरू करके पूरे साल आजमाइए और आप देखिएगा आपके मन मस्तिष्कों में कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये धूप की बहुत ही अचूक टोटके है, ये अचूक टोटके अपना के आप देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को फ़ायदा होगा। तो पहला उपाय आपको मैं ये कहूँगी, कपूर की धूप की टोटके से आपको क्या फ़ायदा होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सुगंधित, अगर आप लोग कपूर जानते हैं, सभी लोग पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर को तो सभी लोग जानते हैं, ये वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, एकदम सुगंधित कर देते हैं। तो कपूर आपको जलाने से देव दोष, पितृ दोष, और प्रतिदिन आपको सुबह आपको आपके घर में, घर के मध्य भाग में पीतल की कटोरी में या फिर सिल्वर की, चांदी की कटोरी में घी में डूबा हुआ कपूर आप अगर जलाएंगे, आपके मन मस्तिष्क में एक अजीब सा शांति का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। आपके घर में अगर वास्तु दोष है या पितृ दोष है, वो आप देखेंगे शांत हो जाएगा। हिंदू धर्म में संध्या बंधन, मतलब संध्या के टाइम जो होती है, जब सूरज डूबते हैं उस समय भगवान के सामने दिया जलाते हैं और कपूर का धुनी हम घर पे करते हैं, ऐसे करने से और भगवान जी को कपूर की आरती करने से आप देखिएगा आपके घर में एक सुगंधित वातावरण रहेगा, और साथ साथ आप देखेंगे आपके घर में बरकत भी हो गया है। आपके घर में अननेसेसरी जो कोई टोना टोटका कोई नहीं कर सकते हैं, उसका अगर करे भी तो उसका असर नहीं आपके घर में नहीं पड़ने वाले हैं। तो इस एक तो पहला है, उसके बाद दूसरा धूप की उपाय मैं आपको बताऊंगी। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का महत्व तो सभी लोग जानते हैं, साथ साथ आपको ये बताऊंगी अगर आपके घर में वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए भी कपूर का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि आपका सीढ़िया गलत दिशा में बना हुआ है, या फिर टॉयलेट वॉशरूम आपका गलत दिशा में बना हुआ है, या फिर घर आपके रूम जो है वो गलत दिशा में, या खिड़की गलत दिशा में बना हुआ है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि तोड़फोड़ करना संभव नहीं होता बहुत जगह में, ऐसे में आप क्या करेंगे, आपकी सीढ़ियों में, आपकी वॉशरूम में, आपकी रूम में, आपके हर रूम में अगर घी में भिगा हुआ कपूर एक कटोरी में रख देंगे, इसे आप देखिएगा कोई शीशा की कटोरी में आप रख देंगे, इसे देखिएगा कपूर की उस सुगंध से आपके घर में वास्तु दोष भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और घर के लोग भी तनाव मुक्त रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा और बहुत गहरी नींद आएगा आप लोगों के घर में, घर के सभी मेंबर्स के। इसके अलावा धूप की एक और उपाय आपको मैं बताऊंगी, वो है गूगल की धूप से कैसे आपके घर को, वातावरण को सुगंधित कर सकते हो और नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हो। गूगल का उपयोग जो है सुगंध इत्रों के साथ साथ औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक जो होती है बहुत ही मीठी महक होती है गूगल का, आपको इस महक इसको आग में डालने पर ये स्थान को सुगंधित कर देते हैं। तो हवन में भी हम लोग गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल की सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द भी शांत हो जाता है और धीरे धीरे मस्तिष्क जो आपके दिमाग में किसी भी आपका अगर हेडेक वगैरह है वो अगर गूगल कपूर इस तरह की चीज़ें आप डेली इस्तेमाल करेंगे अपने घर में धुनी के रूप में, इससे आप देखिएगा आपकी माथा की जो आपकी परेशानी आप समझ लीजिएगा किसी तरह की हेडेक है आपके, वो आप देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा आराम पड़ना शुरू हो गया। तो जिन लोगों की नशे, जिन लोगों की दिल की दर्द की परेशानी है, उसमें भी ये गूगल की धूप अगर आप देंगे तो आपको लाभ होगा। तो आपकी गोबर के कंडे को, थोड़ा सा गोबर के कंडे को चला के प्लेट के ऊपर उसके ऊपर गूगल आप डाल दीजिएगा, पूरे घर में आप महका दीजिएगा, धुनी दीजिएगा, इससे आप देखिएगा
बहुत ही आपका घर वालों के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ने वाले है। इसके अलावा घर की साफ सफाई करने के बाद, खास करके अमावस्या पूर्णिमा के दिन, आपको घर की साफ सफाई करने के बाद पीपल की पत्तों से पूरे घर का, घर में गौमूत्र का आपको छिड़काव करना है। उसके बाद गूगल की धूप चला के आपके पूरे घर को एक बार आपको वॉशरूम, बैल्कनी, आपके रूम, सीढ़ियाँ, छत, आप हर जगह पे उस धुनी को आपको घुमाना चाहिए। ऐसे करने से आप देखिएगा, आप आपके घर में जिन लोगों की डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, साथ साथ घर में एक शांति का वातावरण रहेगा। और अगर कोई किया कराया टोना टोटका कुछ भी आपके घर में है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलो अब आते हैं लुबान की धूप। धूप का क्या फ़ायदा आपका होने वाला है? लुबान को सुलगते हुए कंडे पर आपकी जो छोटा सा गोबर का कंडा है उसके ऊपर जलाया, आप अगर रोज़ जलाएंगे संध्या के समय, ये आप देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। लुबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह में किया जाता है। लुबान को जलाने का नियम होते हैं, इसको जलाने से परलौकिक शक्तियाँ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। अतः लुबान को घर में जलाने से पहले किसी भी पंडित से सलाह ज़रूर लीजिएगा एक बार। और साथ ही गुरुवार के दिन और इतवार के दिन लुबान को जलाया जाता है। गुरुवार के दिन किसी भी टाइम आप, हो गया सुबह, हो गया शाम को, हो गया आपको गोबर के कंडे के ऊपर लुबान, आप थोड़ा सा गोबर की कंडी चला के उसके ऊपर लुबान डालिए, उसके बाद घी, देसी घी एक चम्मच डालिए, उसके ऊपर गुड़ डालिए, साथ साथ पके हुए चावल डालिए। इन तीन चार चीज़ों की जो सुगंध है वो पूरे घर में घुमा दीजिएगा। इसे आप देखिएगा, ये विशेष लाभ होगा आपके घर में ऐसे करने से। पर आपको लुबान सिर्फ गुरुवार और इतवार को ही जलाना चाहिए। ये इससे जो है बहुत अच्छा परलौकिक शक्तियाँ जो होती है, जो इंसानों का मदद करते हैं, ऐसे शक्तियाँ आपके आपके घर की तरफ अट्रैक्ट होती है। इससे आपको बहुत फ़र्क होता है। एक धूप के उपाय और बताऊंगी, वो धूप के उपाय है गुड़ घी की धूप, इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कह सकते हैं। और ये धूप आपको सिर्फ रविवार के दिन आपको गुड़ घी मिला के गोबर की कंडे के ऊपर चला के उसको धूप देने से आप देखिएगा, एक अगर किसी के डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ग्रे कलर है घर में, अशांति है, प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़ा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ घर में आपकी लक्ष्मी का वास भी होगा, आपके घर में लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी चल के आ जाएंगे खुद ब खुद। तो ये जो है गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से आपका देव दोष, पितृदोष भी ख़त्म होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, लेकिन ये धूप देवताओं की निर्मित ही देना चाहिए। जो ये धूप होता है, ये धूप आपको देवताओं के निमित्त ही, देवताओं के सामने ही आपको देना चाहिए, आपको जलाने से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको नकारात्मक शक्तियाँ को भगाने के लिए आपको कौन सा धूप का इस्तेमाल करना चाहिए, वो है पीली सरसों, गूगल लुवन, गोघृत मतलब गाय का घी, ये सब कुछ मिला के आपको धूप तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद सूर्यास्त के बाद आपको लगातार 21 दिन आपको आपके घर में धूप देना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर की सारे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे आप पूरे साल इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। कर्ज उतारने के लिए कौन सा धूप का इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आप जान लीजिएगा। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह की कर्ज है तो आपको, आपके ऊपर संकट आके खड़े हुए हैं तो आपको 5 आटे की दिया बना के एक एक दिए को बढ़ के अलग अलग पत्ते पर आपको रखना चाहिए। ये उन्हें हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष आपको दिया जला देना चाहिए। वहाँ बैठ के हनुमान से अपने संकट
और कर्ज से मुक्ति का प्रार्थना आपको करना चाहिए। ऐसे आपको 5 मंगलवार करने से आपका कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान आपको आते जाते जब आप भगवान हनुमान जी के सामने आप बैठ के 21 दिया जला के भगवान से प्रार्थना करेंगे, उस समय आपको मौन प्रार्थना करना चाहिए भगवान के सामने। भगवान हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं तो मन ही मन में हनुमान जी को सिर्फ प्रार्थना कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। धन समृद्धि हेतु आपको कौन सा धूप जलाना चाहिए? प्रति शनिवार शाम को आपको पीपल की पूजा करके आपको धूप और दीप जलाना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में धन और समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं और शनि दोष भी समाप्त होता है। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी, धन समृद्धि दीपक प्रज्वलित आपको कहाँ करना चाहिए? आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं पीपल या बड़ के एक पत्ता पर आटे की दीपक बनाकर उसे जला कर रखते हैं। उसे किसी बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। छठ पूजा के दिन आपको अक्सर ये कार्य आपको करना चाहिए। इससे आपको आपकी घर में सुख समृद्धि का उपाय आने वाले हैं। तो जिस दिन छठ पूजा होगा उस दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। एक आटे की दिया बनाना चाहिए और पीपल की या बट की पत्ता लीजिए एक, उसके ऊपर आप आटे की दिया को सरसों की तेल से जला के और उस एक पत्तल के ऊपर, जैसे बट की या पीपल की पत्तल के ऊपर रख के आपको पानी में, जैसे गंगा जी हो गया, पुष्कर जी हो गया, इस तरह के शिप्रा नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ऐसे नदी में प्रवाहित कर देंगे। इससे आप देखिएगा घर में आपका सुख समृद्धि हमेशा रहेगा आपका, और घर में आपका बरकत भी आएगा। और देवी देवता के समक्ष आपको मुकदमे या फिर कर्ज से मुक्ति मिलने की हेतु आपको 9 दिन देवी की समक्ष, 9 नवदुर्गा के, अभी जैसे नवरात्र आ रही है, 9 देवी के समक्ष आपको गुगल के सुगंध की धूप जलाना चाहिए और घी की दीपक जलाना चाहिए, मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। और इससे आप देखिएगा 9 दिन अखंड दीपक जलाने से आपकी सारे परेशानी जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलो आज तो इतना ही। फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ और काला जादू की टोटके लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब तक देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।